जब वो साफ कह रहा है जो मुस्लिम पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, वहां जाना नहीं चाहिए था, उथोरवे लेके गया 47, उथोरवे लेके गया छुरा, उथोरवे लेके गया डंडा, वो अकेला गया अपना पेपर लेके डिमांड लेके गया, और तब ही सब मिल के उसको एक साजिश के तरह पुष्ट कुटाई किया। एनडीए मेरे दिल में था, लेकिन उस एनडीए के नायक के रूप में हम राकेश बाबू को पसंद करते थे। एनडीए से अन्य कोई और आते ना, तो हमारे पास जो सामर्थ्य होती उस सामर्थ्य से हम उस उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयास करते। व्यक्ति पर हाथ चला, उसका नाक टूट गया, दांत टूट गया, कपार फूट गया, कालर फट गया, बंडिल फट गया, काहे ये सब नाटक को तुम लोग हाईलाइट कर रहे हो? देश में घूम घूम के हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करना और राष्ट्र को कमजोर करना। नमस्कार, बेगूसराय से घटना सामने आ रही है जो काफी सुर्खियां बटोर रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला का आरोप दिख रहा है। मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति जाता है और गिरिराज सिंह पर हमला कर देता है। इसके बारे में विशेष चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह हैं, जो कि मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक भी हैं और मटिहानी विधानसभा के काफी लोकप्रिय नेता में भी इनका नाम आता है। लोकसभा चुनाव में लगातार भाजपा के विरोध में आवाज उठाते नजर आए थे और आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इस तरह की घटना हमारे बेगूसराय में जो होती है वो इसको ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। तुम बहुत नटखट है, नटखट है चूंकि बालक है, तब भी तुम्हारा हम बेगूसराय की धरती पर स्वागत करते हैं। लेकिन हम पिछले चुनाव में भाजपा का विरोध नहीं किया था। अच्छा, आपने सवाल मेरे ऊपर जो रेज किया वो गलत, हम व्यक्ति का विरोध किया था, विकृत मानसिकता का विरोध किया था, समाज में जहर फैलाने वाले लोगों का विरोध किया था, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वालों का विरोध किया था। एनडीए मेरे दिल में था, लेकिन उस एनडीए के नायक के रूप में हम राकेश बाबू को पसंद करते थे। एनडीए से अन्य कोई और आते ना, तो हमारे पास जो सामर्थ्य होती उस सामर्थ्य से हम उस उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयास करते। लेकिन बेगूसराय का दुर्भाग्य रहा, जो विकृत मानसिकता वाले जहरीले प्राणी को बेगूसराय के लोगों ने पुनः आशीर्वाद देने का कार्य किया, जिसका खामियाजा बेगूसराय भुगत रहा है। अच्छा, अब जहां तक आपने बलिया का चर्चा किया, बिल्कुल। पहला बात जानिए, उस व्यक्ति के खून में सनातनी खून नहीं है, सनातन धर्म कहता है जो गंदगी से नफरत करो, जाति से नफरत मत करो, धर्म से नफरत मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब हम समझते हैं उसके खून में इंसानियत और मानवीय संवेदना नहीं है। चुनाव जीतने के बाद हम उनका एक बयान सुना था, अखबार भी देखा, जिसमें उन्होंने कहा आज हम जीवन में मुसलमान का काम नहीं करेंगे। तो मिस्टर सेफ को उनके जलसा में जाने का कोई औचित्य नहीं था, उसने गलती किया जो इससे विकृत मानसिकता वाले नेता के जलसा में अपनी मांग को लेके गया, जब वो साफ कह रहा है जो मुस्लिम पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ जाना नहीं चाहिए था, वो गया अपराध किया, उस अपराध की सजा उस जलसे के लोगों ने उसको पूरी कुटाई भी किया और साथ ही जेल की भी यात्रा करा दिया। अच्छा सर, एक सवाल होगा, चूंकि जब प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो क्या सर इस पर क्या कहेंगे, जो केंद्रीय मंत्री पे जब हमला हो जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है? फिर गलत बोल रहे हो, ये एक साजिश है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम काइबीरा उठाए हुए हैं, पूरे देश में घूम घूम के हिंदू मुस्लिम करना और राष्ट्र को कमजोर करना। अच्छा। हम तो पहले कह दिया उस लड़के को उसके जलसा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब वो कह रहा है हमको मुस्लिम से नफरत है, हमको मुस्लिम से नफरत है, तो हम क्यों गया? और आप कह रहे हो दूसर बात, जिला प्रशासन 1% फेल नहीं हुआ, वो तो बेचारा गया था अपना डिमांड लेके, रोड चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, डिमांड लेके गया, उथोरवे लेके गया 47,
थोरवे लेके गया छुरा, थोरवे लेके गया डंडा, वो अकेला गया अपना पेपर लेके डिमांड लेके गया, और तब ही सब मिल के उसको एक साजिश के तरफ पुष्ट कुटाई किया। जिला प्रशासन को चाहिए जो वीडियो फुटेज तो खंगारे और उचित न्याय, उचित कानून की रक्षा करे, ये मैं जिला प्रशासन से आपके माध्यम से मांग जरूर करता हूँ। जो सर आपके कथन अनुसार यह है कि यह जो घटना हुई है, घटना कुछ ऐसा था नहीं, इसको बनाया जा रहा है। एकदम घटने नहीं है। अच्छा, घटने नहीं है, ऐसा दुनिया में उदाहरण नहीं मिलेगा जो कोई नेता कहता है हमको उस धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो पापी था जो अपना डिमांड लेके गया, ज्ञानहीन था अपना डिमांड लेके गया। सर कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि जो वहाँ पर पहुँचा था, जो मतलब वहाँ पे जो पेपर ले, जो आपका आपके कथन अनुसार जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उनका सीधा तौर पर कुछ लोग उन पर आरोप लगा रहे कि वो अपना फेस चमकाने के लिए ऐसा हरकत किया है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हम तो कहा आज उसके पास 47 था, पिस्टल था, स्टेन गन था, छुरा था, फरसा था। अरे वो आवेदन लेके गया लड़का अपने क्षेत्र के, चूंकि वो नगर पंचायत या नगर परिषद है बलिया, उसके विकास के लिए हो गया, उसको जाना ही नहीं चाहिए था। वो जाके कुटाई स्वयं अपना कराया और जेल की खिचड़ी भी खुद खाने गया। वो चेहरा चमका क्या करेगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, बलिये में रहेगा, कोई चेहरा चमकाने की बात नहीं है। सच्चाई यही है जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनके यहाँ गया। तो सर यहाँ पर सवाल तो यह भी उठता है कि प्रशासन वहाँ पे मौजूद रहती है ना, तो सब लोग देख रहे हैं उसको कि वो हाथ चला रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है। तुमको फुटेज दिखा, जिस व्यक्ति पर हाथ चला उसका नाक टूट गया, दांत टूट गया, कपार फूट गया, कालर फट गया, बंडल फट गया, काहे सब नाटक को तुम लोग हाईलाइट कर रहे हो और पूरा देश का मीडिया उसको। कुछ सुरक्षा तंत्र कमी है, उतना तो हमको बुझने भी नहीं आता है, जेड चाहिए कि वाई चाहिए कि क्या चाहिए, या हो सकता है पीएम साहब के नज़र में कुछ कद और ऊंचा करने की इच्छा हो, या हिंदू सम्राट में कहीं कुछ कमी महसूस हुआ होगा तो उसको ताजगी लाने के लिए रेनुअल कराने का कार्य किया। हम तो यही समझते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं समझते। जी सर, आखिरी सवाल होगा है ना, और अभी आप जिस तरह से लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह का विरोध किए थे, क्योंकि आपने भी कहा कि मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, गिरिराज सिंह का विरोधी हूँ, तो अभी तक आपका विरोध उनके लिए अभी तक चल ही रहा है? वो सब दिन रहेगा, सब दिन रहेगा, इसलिए रहेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जनप्रतिनिधि जो कहते हैं जो हमारा ड्यूटी क्षेत्र घूमने का नहीं है, हमारा ड्यूटी है एसी में बैठ के, दिल्ली पटना में बैठ के देश का आत्मनिर्भर देश बनाना, विधानसभा को आत्मनिर्भर विधानसभा बनाना, देश को विकसित देश बनाना, विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाना। और रोज क्षेत्र में कोई मर जाएगा, हराया जाएगा, केवरो हाथ टूटेगा, गोड़ टूटेगा, हम कत्ते मुर्द घट्टी में घूमते रहेंगे, कत्ते रोते रहेंगे। लेकिन बेगूसराय की माँ ने एक बोगो को जन्म दिया है जो आपके सामने अभी साक्षात बैठा हुआ है, जो हम बेगूसराय में राजनीति करने के हिस्सक छोड़ाए हुए हैं, जनप्रतिनिधि का डिरियाना पड़ता है, डिरियाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मिशन है, जो जनप्रतिनिधि होगा काम करे नहीं करे डिरियाना जरूर पड़ेगा, डिरिया रहा है, उसी का एक खीज है। इस बात को जान लो, ये सब नाटक है, ये सब फेरा मत रहो उनका विरोध, क्योंकि कुछ करने लायक व्यक्ति ही नहीं है। गिरिराज सिंह कोई काम करने लायक, कोई कुछ करने लायक व्यक्ति ही नहीं है, वो सिर्फ कमीशन खाने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, अमीर गरीब के बीच की खाई को बढ़ाने वाले लोग हैं, तो इससे विकृत मानसिकता से क्या दोस्ती करना, क्या समझौता करना। उसके बावजूद भी तो बेगूसराय की जनता उन्हीं को पसंद की। बेगूसराय की जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि बेगूसराय की मान सम्मान की रक्षा के लिए मैंने बेगूसराय की आवाज़ बनने का प्रयास किया, लेकिन मेरी आवाज़ को बेगूसराय के जनमानस के दिलों तक पहुंचने में कहीं कहीं कमी रह गई, जिस कारण विकृत मानसिकता के लोग चुनाव जीत के चले गए।
पुनः बेगूसराय से हम निवेदन करते हैं, होशियार हो जाइए और बेगूसराय का बेटा बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करे, इसके लिए तैयारी आने वाले समय में किया जाए। आपका बात कौन नहीं सुना सर, जो यहाँ पे 4 लाख 5 लाख 6 लाख वोट से जीतने की बात हो रही थी वहाँ इतने कम मार्जिन से जीत रहे हैं, तो सर आपकी आवाज़ तो चली गई सबकी। अरे भैया ये बात तो हमको बुझने आता है, उतने मूर्ख हम थोड़े हैं। लोकतंत्र में 49 और 51 का खेल है, एको वोट से जीत गया तो जीत न गया, लोकसभा के गया, बेगूसराय का बेटा गया नहीं गया, तो हम हार गए। क्यों नहीं थोड़ा और बल हम लोग लगाए, कहीं ना कहीं हम लोग से चूक जरूर हुई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी चूंकि अभी हमारी बातचीत मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक जी और मटिहानी विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय नेता बोगो सिंह जी से हमारी बातचीत हो रही थी, और चूंकि इन्होंने लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह का विरोध किया था, लेकिन अभी जो घटना घटित हुआ है उसके बारे में सीधे तौर पर इनका कहना है कि यह जो घटना घटित हुआ है यह घटना है ही नहीं, इसको घटना बनाया जा रहा है, कोई भी उनके पास पहुँचा है उसको हिंदू मुस्लिम का एक नया रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, जो आप इस वीडियो को देखने समझते हैं प्रतिक्रिया के तौर पे उसके बारे में कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। बाकी हम प्रयास करेंगे अगले बार फिर से आएं और एक बार और आकर के इनसे किसी मुद्दे पर बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।